हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं हूँ मीनाक्षी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप, हेयर स्टाइल, होम रेमेडी रिलेटेड वीडियोस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मेकअप लुक जो मैंने बहुत कम प्रोडक्ट के साथ अचीव किया है। ओनली 5 प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप अचीव किया है। ये मैंने उन लेडीज और गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए किया है जिनका मेकअप बिल्कुल स्टे नहीं करता है, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है और सुबह से शाम तक किचन में घर में बहुत काम करना पड़ता है और पसीने की वजह से पूरा मेकअप उनका धुल जाता है। मेकअप लुक है एकदम स्वेट प्रूफ, सुबह से शाम तक स्टे करेगा आपके फेस पर। इस लुक को आप कंप्लीट करिए अपने मांग और बिंदी के साथ। अगर आप दुपट्टा सर पे लेती हैं तो एक बन बना लीजिए जिससे आपका दुपट्टा स्टे करेगा आपके सर पे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा अपने बालों को इस तरीके से कर लीजिए। इससे आपके फेस को एक फ्रेम मिल जाएगा और लुक बहुत प्यारा सा लगेगा। देखते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलो चलते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको सीटीएम करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। उसके लिए मैं खादे का ये फेयरनेस क्लींजर यूज करूंगी। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये, इसको आपको यूज करना है इस तरीके से। थोड़ा सा आपको अपने हथेली पे ले लेना है और इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप होता है टोनिंग। टोनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है और इससे मेकअप की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ मैं करूंगी गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर का यूज। बहुत अच्छा टोनर है, मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ इसे भी। आपको इसको अपने आप ही अब्सॉर्ब करने देना है, इसको हटाना नहीं है। तो क्लींजिंग टोनिंग करने के बाद बारी है मॉइस्चराइज करने की। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेकअप अप्लाई करने से पहले अगर हमारी स्किन ड्राई होगी तो वो जो मेकअप होगा वो क्रैक कर जाएगा, तो इसलिए हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए और हमें एप्लीकेशन बहुत आसानी हो जाती है। तो उसके लिए मैं करूंगी बायोटिक का ये एज लेस सीरम यूज। सीरम बहुत ही लाइट फॉर्मूले से बने होते हैं, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जगह मैं सीरम का यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आपको भी हाईली रिकमेंड करती हूँ, ये सीरम बहुत ही अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं इसे। और इतनी सी अमाउंट चाहिए होती है इसकी। इसको आप लगाएंगी, इस तरीके से अप्लाई करेंगी और इसको एब्जॉर्ब होने देना है अपने फेस पर। मेकअप स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने से पहले बेस बनता है। बेस से पहले आपको लगाना है, प्राइम करना है, प्राइमर लगाना है आपको अपने फेस पर। प्राइमर हमारे फेस पे जो इवन कर देता है हमारी स्किन को, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी क्लोज करता है ओपन पोर्स को। साथ के साथ एप्लीकेशन जो होती है वो एकदम स्मूथ हो जाती है। ये हमारी स्किन पर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, तो इसको हमें मसाज नहीं करना है, एकदम टैप टैप करके इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है अपनी स्किन पर। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। टीयर ड्रॉप अमाउंट में इसे लेना है हमें और अपने पूरे जहां पर हमारे ओपन पोर्स है उस पे हमें इसे लगा लेना है इस तरीके से। इससे फाउंडेशन हमारे पोर्स में तक नहीं जाती है, उससे भी हम बच सकते हैं, जिससे जो प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है, जो पिंपल्स हो जाते हैं, हमें ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पोर्स, तो वो नहीं होंगे। ये एक उपली लेयर बना देगा हमारे फेस के ऊपर, जिससे फाउंडेशन या कोई भी हम मेकअप करेंगे वो हमारे डीप पोर्स तक नहीं जाएगी और इवन करेगा हमारी स्किन को। इसको आप थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, सेट होने दीजिए, उसके बाद हम अपना फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो भी हम अप्लाई करना है वो हम करेंगे। अब मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जो हमारा बेस बनेगा इसी से बनेगा।
तो ये तो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है और 165 समथिंग की मिलती है। तो इतना सा अमाउंट चाहिए हमें इसके लिए और अपने फेस पर हमें इसे अप्लाई करना है इस तरीके से, छोटे छोटे से ड्रॉप्स इस तरीके से हम पूरे फेस पर करेंगे। कभी भी हमें मसाज नहीं देना होता, हमेशा टैप टैप करके करिए जिससे हमारे स्किन पर पैच नहीं पड़ेंगे। तो जो भी मेकअप है मैं इसमें कोई भी ब्रशेस का यूज नहीं करूंगी। जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो हमें अपना बेस सेट करने में लगता है, चाहे वो बेबी क्रीम से कर रहे हो चाहे अपना फाउंडेशन से कर रहे हो। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन करते हैं हम बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि बेस अच्छा होना चाहिए। कोई भी हम मेकअप करें, चाहे वो बेसिक मेकअप कर रहे हैं अपना रोज डेली में, या फिर हम पार्टी मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप ही क्यों ना हो गया हो, बेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। जैसे घर बनाते हैं तो नीम अच्छी होनी चाहिए, जब तो घर टिकेगा। तो मेकअप जब टिकेगा जब आपका बेस अच्छा होगा। इस तरीके से आपको अपनी आईज का पूरा जो ऊपर का एरिया नीचे से ऐसे करके पूरा आपको कवर कर लेना है, बहुत लाइट हैंड से करना है, नहीं तो आपको पैचेस पड़ सकते हैं। तो अच्छी तरह से टैप करके इसे बहुत ही अच्छी तरह सेट कर लीजिए, कोई भी पैचेस या कहीं भी कोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई स्पंज है मार्केट में अवेलेबल है, 100 रुपीज में आराम से मिल जाते हैं, तो आप उससे भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। फिर आप सेट करेंगे अपने मेकअप को। यहाँ मैं व्हाइट टोन पाउडर का यूज करूंगी, मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है साथ के साथ। ये 100 रुपीज का मिल जाता है, इसका जो छोटा पैक होता है वो 50 रुपीज का मिल जाता है। ये जो पाउडर की क्वांटिटी है ये भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, 2-3 महीने आराम से निकाल देगा आपके, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये यूज होता है। खाली आपको इतना सा ही चाहिए होता है, और आपको एक्सेस पाउडर जब आप यूज करेंगे तो एक्सेस पाउडर आपको इस तरीके से हटा देना है और फिर आपने फेस पर अप्लाई कर लेना है आपको इस तरीके से लाइट लाइट हैंड से। ये आपके फेस की जो मेकअप को एकदम सेट कर देगा, लॉन्ग लास्टिंग कर देगा। यहां मैं यूज करूंगी कलर बार की आईब्रो पेंसिल, और इसको अपने लाइट हैंड से एकदम हमें होल्ड करना है और बहुत लाइट हैंड से अप्लाई करना है। अपने आईब्रो के मिडल से लेके जाना है हमें और एक लाइन ड्रॉ करना है हमें इस तरीके से। फिर हमें स्टार्टिंग में जाना है, बहुत ही लाइट हैंड से जो भी गैप है पहले उसको फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है आईब्रो में। इसको हमें ऐसे स्पूले मिलते हैं, उससे अपने आईब्रो को ब्लेंड कर लेना है। जिससे एकदम नेचुरल लुक आएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल लुक आ रहा है आईब्रो में, डिफरेंस भी देख सकते हैं आप। और अगर आपके आईब्रो का शेप बिगड़ गया है तो आईब्रो पेंसिल से आप अपने आईब्रो को मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। अब मैं ये वाली आईब्रो फिल करूंगी वैसे ही जैसे ये किया था। अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल लगाने से हमारा जो लुक होता है एकदम चेंज हो जाता है। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है काजल लगाना।
और बहुत अच्छा लुक हो जाता है, आप जरूर लगाइएगा अगर आपको पसंद है तो। काजल को हमेशा आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट हम लगाएंगे लाइनर। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का लाइनर है, अगर आपको पसंद है लाइनर लगाना तो आप लगा सकती हैं, ये तो आप स्किप भी कर सकती हैं। लिपस्टिक के लिए लाई हूँ दो ऑप्शन, ये मिनी स्टे कुर्की का लिपस्टिक सेट है और ये है पर्पल का रेड लिपस्टिक कलर जिसका नाम है माय फर्स्ट डेट। बहुत अच्छा लिप कलर है ये, ज्यादातर ब्राइड्स पर बहुत अच्छा लगता है और न्यूली मैरिड गर्ल्स पे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ट्रेवल फ्रेंडली है स्टे कुर्की का मिनी सेट, और अगर आपको कलेक्शन करना है अपना बहुत अच्छा तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ के साथ रिजनेबल भी बहुत है, पर्पल पर आए दिन सेल आती रहती है। मैंने 50% ऑफ पे लिया था, इसका एक्चुअल रेट है 399 और डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिला था, तो आप भी ले सकते हैं। अब मैं करूंगी यूज अपने लिप्स पर ये पर्पल की रेड लिपस्टिक जो सुपर डुपर मैट है, साथ के साथ कम्फर्टेबल भी बहुत है, इसकी स्टे पावर भी बहुत अच्छी है। कंप्लीट हो जाएगा आपकी ज्वेलरी और एक छोटी सी बिंदी के साथ, तो बिंदी अगर लगा लेंगे तो लुक कंप्लीट फुल लगेगा, तो एक छोटी सी बिंदी भी आप लगा लीजिए।